हाय फ्रेंड्स, चले आए दोबारा दमदम रोड हनुमान मंदिर के पास। अब एंटर करने वाले हैं। देखिए बाहर का नज़ारा कितना बढ़िया है और इस तरीके का ये बाहर से ही दुकान और बहुत कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु गाड़ी पार करके टूटर में है, मैं भी अंदर जाऊँगा, चलते हैं साथ में। चलिए, ये एक बहुत ही पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि 150 से 200 साल पुराना मंदिर है। बाद में अंदर जाऊंगा, पहले यहीं से दिखा लूँ। ये है हनुमान जी का मंदिर और ये मंदिर जो है काफ़ी पुराना है। इस मंदिर के अंदर चलते हैं। चलिए, श्रद्धालुओं का सम्मान, हम गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये है मंदिर परिसर। और तरीके का एक दृश्य दिख रहा है, लाइट कर दिया गया है यहाँ से। श्रद्धालु यहाँ बैठ करके जप कर रहे हैं, परिक्रमा हो रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे लीन हो रहे हैं। ये एक परिक्रमा मैं कर चुका हूँ वीडियो बनाने के बाद, ये परिक्रमा समाप्त करूँगा। यहाँ देखें इस तरीके से यहाँ चलते हैं। चलिए यहाँ हाथ धो लेते हैं और यहाँ जो है कमंडल से पानी दिया जाता है हाथ धो लेने के लिए। और इसके पश्चात हम यहाँ पर चलते हैं। मंदिर के पीछे के तरफ यहाँ पर भी काफ़ी कुछ है जो कि देखने लायक है। ये है मंदिर परिसर के पीछे। आपको दिखाते हैं कि ये दूर दराज, हालांकि काफ़ी दूर है और फिर भी दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। ये है बहुत ही पुरातन शिव मंदिर। तो ये जो शिव मंदिर है, यहाँ पर इस शिव मंदिर के अंदर शिवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा जमघट है और इसके ऊपर एक अलग वीडियो, अलग एपिसोड बनाएंगे और बाद में दिखाऊंगा। और इसका भी एक महिमा अलग ही है और ये भी किसी राजा या ज़मींदार ने बनाया होगा। इसका इतिहास पहले जानना पड़ेगा, ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसके बाद ही बताऊँगा। चलिए आइए पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी प्रणाम, क्या नाम हुआ? प्रकाश मिश्रा। प्रकाश मिश्रा जी, तो पंडित जी से बात करते हैं। ये मंदिर कितना पुराना होगा? ये तो मंदिर ये कम से कम 250 साल पुराना है। कितना? 250 साल। 250 साल पुराना है। अच्छा, मेरा अनुमान गलत निकला, मैंने 150 से 200 साल बताया था, तो ये 250 साल निकला है। तो देखिए काफ़ी विख्यात, काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर और सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं वो यहाँ पे माथा टेकते हैं और हर पर्व हनुमान जयंती के में ख़ास तौर पे इस इलाके में रास्ता जाम हो जाता है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होता है और इसमें जो है काफ़ी सारा अनुष्ठानिक व्यवस्था भी है, हवन होता है, पूजा कार्यक्रम होता है। और यहाँ देख सकते हैं ये मंदिर का टाइमिंग और ये है महाशिवरात्रि। हालांकि ये तो महाशिवरात्रि का टाइमिंग है, लेकिन यहाँ जो टाइमिंग है, यहाँ टाइमिंग मतलब तकरीबन कौन से समय में पूजा, कितने बजे सवेरे होता है और शाम को कितने बजे होता है?
मंदिर तो सुबह 4 बजे खुल जाता है। सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है, भक्त लोग के लिए 6 बजे से चालू होता है। अच्छा, भक्तों के लिए 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद 6 से 12 और संध्या 4 से 10 संध्या 4 से 10। और ये मंदिर जो है कनेक्टेड है दमदम स्टेशन से, आप आ सकते हैं, ट्रेन है, बस है, बड़ा सुचारू रूप से, मतलब आवागमन का सुविधा बड़ा बढ़िया है, चाहे कहीं से भी किसी भी डिस्टेंस से आए। रेल नेटवर्क बढ़िया है, मेट्रो अच्छा है, अपना निजी गाड़ी लेकर के आ सकते हैं और सुविधाजनक है। और श्रद्धालु यहाँ पे मैं तो बोलूँगा कि तादाद बना के आइए, बहुत ही श्रद्धा का जगह है यहाँ पे, मालूम पड़ता है, सुकून मिलता है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक बोर्ड है, दमदम बालाजी युवा संघ, अच्छा, श्री हरिद्वार जी तिवारी, उनका नंबर दिया गया है और ये है, यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, धार्मिक कार्यों के लिए जो भी आप उचित समझें यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और इस जगह को बड़ा ही मनोरम बनाया जाता है, जिस समय ख़ास तौर पे बड़ा अनुष्ठानिक त्यौहार या पर्व होता है, ये एक बहुत ही देखने लायक दृश्य होता है। तो भगवान सभी विख्यात ही होते हैं, ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही विख्यात है, अपने आप में ही भगवान अपना स्वरूप विख्यात होते हैं और हनुमान जी उनमें से एक जीते जाते राम जी के एक भक्त हैं और उनके भक्त हम हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। श्रद्धालुओं का पुरस्कार हो गया है, वीडियो बनाना असंभव सा हो रहा है, तो यही पेश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन दीजिएगा। जय श्री हनुमान, जय बजरंग, जय शंकर बाबू, प्रभु को कोई दक्षिणा देगा होगी नीति कर। प्रभु को कोई दक्षिणा देगा, 10-20 रुपया, 50 रुपया, 100 वो भी नीति कर देगा, गूगल पे। अच्छा, वो मोबाइल हो गया है। यहाँ पे प्रसाद के लिए यहाँ कितने सारे दुकान है और ये दुकान जो है बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त, यहाँ जो है श्रद्धालुओं का भीड़ लगता है। आज शनिवार है और यहाँ ये देखिए, ये देखने वाला चीज़ है, यहाँ पे ये जितने भी अल्प आय वाले हैं वो कभी भूखे नहीं जाते, चलता रहता है, श्रद्धालु जो है उन्हें होते रहते हैं और भोज प्रसाद के रूप में ये बना रहे। और ये है दृश्य यहाँ का, और ये है वो दमदम रोड जिसके ऊपर स्थित है। और यहाँ से अगर सीधे चले जाएंगे मेरे बाएं तरफ तो सीधे जो है दमदम मेट्रो स्टेशन आएगा। इस तरीके से आप जो है जा सकते हैं और यहाँ ज़रूर आइए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।